हेलो क्लास, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया था, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसका एनाटॉमी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ते हैं। देखिए, कॉकरोचेस जो होते हैं वो ओमनीवोरस इनका डाइट होता है। ओमनीवोरस का मतलब दे कैन फीड अपॉन एनिमल्स एंड दे कैन फीड अपॉन प्लांट प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इनका अगर जो हम एनाटॉमी देखें तो इनके एनाटॉमी में सबसे पहले इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल्ड देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कॉकरोच का होता है वो इंटरनली लाइन होगा काइटिन से बनी हुई लेयर से, दैट इज नोन एज क्यूटिकल। जैसे इसका एक्सोस्केलेटन मैंने काइटिनस आपको बताया था, काइटिन लेयर से बनता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, वैसे ही इसका एनाटॉमी में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पार्शियली, आधा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो कवर अप होगा, इंटरनली लाइन होगा क्यूटिकल से। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थ्री पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज फोरगट, मिडगट। पहला पार्ट आ जाएगा फोरगट, दूसरा पार्ट आ जाएगा मिडगट और तीसरा पार्ट आ जाएगा हाइंडगट। ठीक है, फोरगट को हम दूसरा नाम देते हैं स्टोमोडियम। ठीक, मिडगट को हम देंगे प्रोक्टोडियम और हाइंडगट इज नोन एज, मिडगट को हम वेंट्रिकुलस भी बोलेंगे, हाइंडगट को हम ऐसे रहने देंगे, हाइंडगट का कोई सेपरेट दूसरा नाम नहीं है। अब हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हम फोरगट का स्ट्रक्चर देखते हैं। फोरगट में ये आ जाएगा बकल कैविटी। आपको बताया यहाँ पे बनती है माउथ पार्ट जो है यहाँ पे अलग अलग, फर्स्ट बताया था आपको डॉर्सली लैब्रम, वेंट्रली लैबियम एंड लेटरली मैंडिबल, वन पेयर ऑफ मैंडिबल एंड वन पेयर ऑफ मैक्सिला विल फॉर्म द लेटरल पोर्शन ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर आपको बताया था एक हाइपोफेरिंग्स होता है, टंग स्ट्रक्चर, हाइपोफेरिंग्स विच रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, दीज आर वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये आ जाएगा इसका वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये आ गया बकल कैविटी। बकल कैविटी खुलता है एक छोटे से साइज के फेरिंग्स में, फेरिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज कर रहे हैं उसमें मेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज दैट इज स्टाइलिन जो है वो रिलीज किया जाएगा, जो स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे पार्शियली परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जैसे आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है लगभग वैसे। ठीक है, फेरिंग्स जो है यहाँ पे वो लीड करेगा एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ईसोफेगस। ईसोफेगस का जो लास्ट पोर्शन है वो काफी ज्यादा स्वॉलन रहेगा, इस तरीके से फूल जाता है और इसको बोला जाएगा क्रॉप। क्रॉप वो पोर्शन है जहां पे फूड का टेम्पररी स्टोरेज किया जाएगा। क्रॉप एक्चुअली क्या होता है? ईसोफेगस का ही पोस्टीरियर एंड जो काफी ज्यादा स्वॉलन हो जाएगा उसी को हम क्रॉप बोलते हैं और यहाँ पे फूड का पार्शियली स्टोरेज किया जाएगा। क्रॉप के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक स्ट्रक्चर चर्निंग, मैकेनिकल चर्निंग का एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं गिजार्ड। गिजार्ड में फूड की मैकेनिकल चर्निंग होती है और गिजार्ड के अंदर छह काइटिनस प्लेट्स मिलती हैं, सिक्स प्लेट्स होंगी काइटिन से बनी हुई जो कि फूड की मैकेनिकल चर्निंग में हेल्प करती हैं। सिक्स काइटिनस प्लेट जो है फूड की ट्विस्टिंग एंड मैकेनिकल ग्राइंडिंग जो होती है उसमें हेल्प करेंगी। तो यहां से लेके बकल कैविटी से लेके यहां गिजार्ड तक का जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं फोरगट। ठीक, फ्रॉम बकल कैविटी टू गिजार्ड इज कॉल्ड फोरगट। फोरगट इज कम्प्लीटली लाइन बाय, पूरा अंदर से जो लाइनिंग होगी वो किस चीज की है? काइटिनस लेयर दैट इज क्यूटिकल विच मेक द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, ऑल्सो फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन, सॉरी एंडोस्केलेटन पूरी तरीके से आप इसे नहीं बोलेंगे, इट फॉर्म्स अ कवरिंग इनसाइड द फोरगट। कम्प्लीट फोरगट के अंदर जो है कवरिंग बनाएगी। गिजार्ड के बाद अब हम आते हैं इसके मिडगट में। मिडगट को हम एक नाम देते हैं, मिडगट एक पतली सी ट्यूब होती है और इसको हम नाम देते हैं वेंट्रिक्यूलस। मिडगट को वेंट्रिक्यूलस भी बोला जाएगा, वेंट्रिक्यूलस और मिडगट, या फिर आप इसे मिजेंटेरॉन भी बोल सकते हैं। इसीलिए गिजार्ड को आप एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन एज प्रोवेंट्रिक्यूलस आप इसे नाम देंगे। ठीक है, मिडगट छोटी सी ट्यूब होती है। मिडगट और फोरगट का जंक्शन मतलब कि गिजार्ड एंड वेंट्रिक्यूलस के जंक्शन में आपको छह से लेके आठ इस तरीके से ब्लाइंड पाउच मिलेंगे। इन पाउच को हम बोलते हैं हिपैटिक सीका। हिपैटिक सीका आर द होमोलोगस आर द एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ योर
पैनक्रियाज दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड द वेंट्रिक्यूलस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। वेंट्रिक्यूलस के बाद मतलब मिडगट खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, मिडगट के बाद फिर रन करेगा इसका। मिडगट में यहाँ पे एक वॉल्व आपको मिलेगा जो कि खुलेगा किस पे, हाइंडगट पे। हाइंडगट के तीन पोर्शन है, इलियम, कोलोन, कोलोन एंड रेक्टम। ये आ जाएगा रेक्टम, रेक्टम खुलेगा बाहर विद द हेल्प ऑफ एनल पोर। तीन पार्ट है इसके, एक आ जाएगा इलियम, दूसरा आ जाएगा कोलोन एंड तीसरा पोर्शन आ जाएगा रेक्टम। एंड रेक्टम ओपन्स टू एक्सटीरियर विद द हेल्प ऑफ एनल पोर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट का जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है यहाँ पे आपको 100 से लेके 150 के अराउंड आपको इस तरीके से फाइबर्स मिलते हैं। इन फाइबर्स को आप बोलेंगे मालपीगियन ट्यूब्यूल्स, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। दीज ट्यूब्यूल्स पार्टिसिपेट इन द फिल्ट्रेशन ऑफ व्हाट, फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेज दैट इज यूरिक एसिड फ्रॉम द इसकी हीमोसील कैविटीज के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है इसका वो होता है यूरिक एसिड। उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालते हैं, खींचते हैं और उसको फिल्टर करके लेके आएंगे कहां पे, हाइंडगट। हाइंडगट में से फिर एनल की पोर के थ्रू वो बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। इसमें कॉकरोचेस जो हैं इनमें कोई एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम के लिए एक्सक्रीटरी पोर सेपरेट नहीं होता है। और आप ये नहीं कहेंगे कि एक्सक्रीटरी पोर अलग है और डाइजेस्टिव पोर जो है वो अलग है। एक्सक्रीशन का जो वेस्ट मटेरियल है और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट मटेरियल है उस पूरे वेस्ट मटेरियल को एक ही पोर के थ्रू बॉडी से बाहर भेजा जा रहा है, उसको आप बोल रहे हैं एनल पोर। ठीक है, यहाँ पे आपको वेंट्रिक्यूलस जो है इसके अंदर आपको एक लाइनिंग मिलेगी, पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी मिडगट को अंदर से, और जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा इसके अलावा जो भी आप कहेंगे डाइजेस्टेड फूड है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके लिए टोटली क्या होता है, परमिएबल होता है। यहाँ पे इलियम, कोलोन, रेक्टम, रेक्टम वाले पोर्शन में आपको 6 एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इस तरीके से, इनको आप बोलेंगे रेक्टल पैपिला। दीज आर नोन एज रेक्टल पैपिला। रेक्टल पैपिला का फंक्शन होता है कि जितना भी जो भी आप कहेंगे वाटर अगर जो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है या जो मिनरल्स हैं जिनका एब्जॉर्प्शन कम्प्लीटली नहीं हुआ है उनको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प कर रहा है, रेक्टल पैपिला हेल्प कर रहे हैं। वो जो भी उसमें डाइजेस्टिव वेस्ट में जितना भी कुछ फिर भी यूजफुल बचा हुआ है, वाटर एंड जितने भी उसमें मिनरल्स बचे हुए हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने का कौन काम कर रहा है, रेक्टल पैपिला उसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है। और फिर एनल पोर के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो तो बॉडी से बाहर रिलीज आउट होना ही है। ठीक है, ये आ गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। बकल कैविटी में मैस्टिकेशन ऑफ फूड ये करता है विद द हेल्प ऑफ, याद करिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैंडिबल जो है वो फूड को च्यूइंग करने में हेल्प करेगा। मैक्सिला क्या करते हैं, फूड को होल्ड करके लेके आते हैं कहां तक, मैंडिबल के बीच में। ठीक, मैंडिबल के थ्रू फूड का मैस्टिकेशन होगा। बकल कैविटी में मैस्टिकेशन ऑफ फूड हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से टाइलिन एंजाइम ने क्या किया, स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन परफॉर्म किया। उसके बाद फेरिंग्स इसोफेगस के थ्रू होता हुआ फूड चला गया क्रॉप में, क्रॉप में टेम्पररी स्टोरेज हुआ और उसके साथ साथ डाइजेशन ऑफ फूड भी यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। क्रॉप के बाद फिर वो चला गया गिजार्ड में, गिजार्ड में उसकी कंप्लीट मैकेनिकल चर्निंग होगी विद द हेल्प ऑफ 6 क्यूटिकल और काइटिनस प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम मिडगट में, मिडगट में पूरा का पूरा डाइजेशन परफॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अंदर पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है जो कि परमिएबल है डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जितने भी आप कह रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ साथ जितने भी आप कहेंगे इसमें जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसके लिए परमिएबल है। मिडगट एंड फोरगट के जंक्शन में आपको 6 से लेके 8 हिपेटिक सीका मिलेंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे इनसाइड द वेंट्रिक्यूलस। मिडगट के बाद खुलेगा हाइंडगट, हाइंडगट के 3 पोर्शन है इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें अगर जो कुछ भी वाटर या मिनरल्स अगर जो यूजफुल पड़े हुए हैं तो उनमें उनका एब्जॉर्प्शन करने के लिए रेक्टल पैपिला प्रेजेंट होता है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में आपको 100 से लेके 150 के अराउंड आपको मिलेंगे फाइब्रस स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। मालपीगियन ट्यूब्यूल का फंक्शन होता है जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को फिल्टर करना और उसको प्रोवाइड कर देना किसमें, हाइंडगट में उसको डाल देना ताकि वो एनल पोर के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो सके।
यहाँ पे आपको बताया फोरगट इज कम्प्लीटली इंटरनली लाइन बाय काइटेनस मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज क्यूटिकल, मिडगट इज इंटरनली लाइन बाय पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन एंड हाइडगट के अंदर आपको कोई भी इस टाइप की लेयर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हो गया कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब हम आते हैं कॉकरोचेस में नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज दूसरा स्ट्रक्चर सिस्टम आते हैं इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोचेस का जो है अगर जो हम देखें तो पूरी बॉडी में लोकेटेड है। कॉकरोच की बॉडी के लिटरल पोर्शन में आप देखिए ये थॉरेक्स हो गया, ये आ गया पूरा एब्डोमेन तक का स्ट्रक्चर। थॉरेक्स एंड एब्डोमेन का जो लेटरल पोर्शन है, ये लेटरल साइड जो होती है थॉरेक्स एंड एब्डोमेन की, यहाँ पे आपको पेयर्ड पोर्स मिलेंगे एंड इन पोर्स को आप बोलते हैं स्पायरेकल्स। दीज पोर्स आर नोन एज स्पायरेकल्स। ठीक है, पेयर्ड पोर्स। थॉरेक्स में आपको टू पेयर्स ऑफ पोर्स मिलेंगे, थॉरेक्स में आपको टू पेयर्स मिलेंगे स्पायरेकल के, एंड एब्डोमेन में आपको मिलेंगे एट पेयर्स ऑफ स्पायरेकल, एट पेयर आपको मिलेंगे एब्डोमेन में। थॉरेक्स में जो ये दो पोर्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रो एंड मीजो के जंक्शन में, मीजो एंड मेटाथोरेक्स के जंक्शन में आपको मिल रहे हैं एक दो तीन चार, यहाँ पे आपको चार पोर्स मिल रहे हैं मतलब टू पेयर्स। एंड एब्डोमेन में आपको लगभग हर एक जो दो हर अगल बगल वाले जो दो सेगमेंट्स हैं उनके जंक्शन में आपको एक एक पेयर ऑफ पोर्स मिलेगा, कहाँ पे लेटरल पोर्शन में आपको ये मिलेंगे, हमेशा लेटरल साइड में आपको मिलेंगे, लेटरल पार्ट ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन में आपको ये पोर्स मिलेंगे। ये पोर्स जो होते हैं स्पायरेकल या अगर स्पायरेकल जो है थोरेक्स में थोड़े से लार्ज साइज के होंगे, एब्डोमेन में थोड़े से स्मॉल साइज के होंगे। ये स्पायरेकल काइटिनस रिंग से सराउंड करेंगे, इस काइटिनस रिंग को हम बोलते हैं पेरिट्रीम, दिस रिंग इज नोन एज पेरिट्रीम। ये पेरिट्रीम ओपनिंग के किनारे जो है ओपनिंग जो है ये पोर स्पायरेकल, उसके किनारे आपको एक काइटिनस रिंग मिल रही है, इसको हम बोल रहे हैं पेरिट्रीम। ये खुलेगी एक छोटे से चैम्बर में, इस चैम्बर को आप बोलेंगे एट्रियम, एट्रियम या ऑरिकल आप उसे बोल सकते हैं। ये कंटिन्यू करेगा एक काइटिनस ट्यूब में, दिस ट्यूब इज नोन एज ट्रैकिया। ठीक है, फिर ये ट्रैकिया जो है खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी इस तरीके से ब्रांच्ड एक सेल में, दिस सेल इज नोन एज ट्रैकियोलर सेल। ठीक है, ट्रैकियोलर सेल पे ये खत्म होगी इस तरीके से, वेब्ड टोज जैसा होता है उस तरीके से स्ट्रक्चर जैसी अपीयरेंस देगा। हर एक ट्रैकियल रिंग जो ट्रैकिया होती है वो ब्रांच होगी, एंड एवरी ट्रैकिया है सपोर्टेड बाय द काइटिनस रिंग्स विच प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यू टू इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। में जो कोलैप्सिंग होती है बहुत तेजी से एयर रश करके बाहर और अंदर आती है, उसमें कहीं ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, उसे प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ट्रैकियल रिंग्स जो की बनी हुई है काइटिन से। अब आप देखिए यहाँ पे ये आ गया, मान लीजिए फर्स्ट स्पायरेकल एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, दूसरा स्पायरेकल ऐसे इधर आ गया, तीसरा स्पायरेकल ऐसे इधर आ गया, इनसे निकलने वाली ऐसे ही ट्रैकियल रिंग्स ट्रैकिया है। एवरी ट्रैकिया इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ये इस तरीके से ट्रैकिया एडजेसेंट जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये जब ट्रैकिया एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो लिटरली एक साइड में दिखा रही हूँ आपको, एक साइड आप समझिए इसको, यहाँ पे एक जो पूरा ट्रैकिया का कनेक्शन से एक जो लंबी सी ट्यूब बन रही है उसको हम बोल रहे हैं ट्रैकियल ट्रंक। तो दो तीन पेयर ऑफ ट्रैकियल ट्रंक यहाँ पे बनेंगी, एक पेयर आ जाएगी लेटरली, यानी कि एक ट्रैकियल ट्रंक इधर, एक ट्रैकियल ट्रंक इधर। ठीक है, लेटरल पे एक ट्रैकियल ट्रंक, यहाँ पे यहाँ पे दो ट्रैकियल ट्रंक ऐसे डोर्सली, मतलब ये समझिए इसको 3D में आप समझिए, ये एक जो इसका जो ब्रांच है ऊपर की तरफ भी ऐसे निकल रही होगी। ये तो मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा दिया ना, इसको 3D में आप इमेजिन करिए कि एक ब्रांच जो है ऊपर की तरफ भी निकल रही होगी, एवरी ट्रैकिया से एक एक ब्रांच जो है ऊपर की तरफ निकल रही होंगी, वो सारी ब्रांचेस भी आपस में कनेक्ट हैं, वो बनाएंगी डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक। और ऐसे ही आप इमेजिन करिए कि एक एक ब्रांच हर एक ट्रैकिया से नीचे की तरफ को निकल रही, एक नीचे की तरफ इधर आ गई, फिर इससे नीचे आ गई, फिर इससे नीचे आ गई, तो नीचे वाली ब्रांचेस भी आपस में कनेक्ट होके वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक, लेटरल ट्रैकियल ट्रंक एंड डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक, तीन ट्रैकियल ट्रंक बन रही है। तो आप बोलेंगे थ्री पेयर्स ऑफ ट्रैकियल ट्रंक आर फॉर्म, थ्री पेयर्स आपको मिलेंगी एक साइड और उधर की तरफ आपको मिल जाएंगी थ्री पेयर्स,
टू पेयर्स ऑफ लेटरल ट्रैकियल ट्रंक्स, टू पेयर्स ऑफ डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक्स एंड टू पेयर्स ऑफ वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्रांचेस बाय मीटिंग फ्यूजन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट ट्रैकिया। ठीक है, ये बन गया। अब हम देखते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसके बॉडी में टर्गाइट एंड स्टर्नाइट के बीच में, टर्गाइट है नीचे वाला आ गया, स्टर्नाइट, इनके बीच में आपको कुछ मसल्स मिलती हैं। इन मसल्स को हम बोलते हैं टर्गो स्टर्नल मसल्स। जिस टाइम पे बॉडी को ब्रीद इन करना है, कॉकरोचेस को ब्रीद इन करना है अगर जो, तो उसको अपनी बॉडी की कैविटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी की कैविटी जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो बाहर का एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और अंदर का एयर, सॉरी बाहर का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और अंदर का एयर प्रेशर जो है वो बाहर के कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपनी सारी की सारी जो मसल्स होती हैं, टर्गाइट एंड स्टर्नाइट की जो मसल्स हैं, टर्गाइट एंड स्टर्नाइट, ये मान लीजिए टर्गाइट है या आ गया स्टर्नाइट, इनके बीच की मसल्स को रिलैक्स कर देगा। ये मसल्स रिलैक्स होंगी तो बॉडी कैविटी विल बी इंक्रीज डॉर्सो वेंट्रली। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, अपनी एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करेगा, इससे क्या होगा, बॉडी कैविटी विल बी इंक्रीज एंटीरियो पोस्टीरियरली। एंटीरियो पोस्टीरियरली भी बॉडी कैविटी इंक्रीज हो रही है, डॉर्सो वेंट्रली भी बॉडी कैविटी इंक्रीज हो रही है। जैसे हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी बॉडी कैविटी को डॉर्सो वेंट्रली भी इंक्रीज किया जाता है एंड जो एंटीरियो पोस्टीरियरली भी हमारी बॉडी कैविटी इंक्रीज होती है, ऐसे ही इसकी बॉडी कैविटी भी इंक्रीज हो रही है। जब बॉडी कैविटी इंक्रीज होगी तो अंदर जो एयर का प्रेशर है, बॉडी के अंदर पूरा जो एयर का प्रेशर है वो घट जाएगा, बाहर का एयर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। तो एयर जो है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को तेजी से रश करती हुई आएगी। ये एट्रिप जो स्पाइरिकल्स हैं ये खुलते हैं, एयर तेजी से रश करती हुई अंदर आएगी। अब एयर अंदर आ रही है तो CO2 भी आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन भी आ रही है, एयर अंदर आ रही है तेजी से। यहाँ एयर जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो मिक्स एयर होती है वो पूरे सिस्टम में फैल जाएगी। सारा जितना भी सिस्टम हो रहा है सारे के सारे सिस्टम में वो एयर फैल रही है। यहाँ पे जब ये ट्रैक्यूलर सेल में एयर आ रही है तो यहाँ पे जो बॉडी टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज में कंटिन्यूअसली सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअसली CO2 प्रोड्यूस हो रही है। इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन द बॉडी टिश्यूज एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन द बॉडी टिश्यूज। नाउ द ट्रैक्यूलर सेल कंसिस्ट ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू द बॉडी टिश्यूज। देयरफॉर द कार्बन डाइऑक्साइड रश फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो, दैट इज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द ट्रैक्यूलर सेल, एंड द ऑक्सीजन रश फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, दैट इज फ्रॉम ट्रैक्यूलर सेल टू द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, ये हुआ। अब इसको एक्सपिरेशन करना है तो इसने जितनी भी मसल्स अभी तक रिलैक्स कर रही थी वापस वो सारी की सारी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। उन मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से इसकी बॉडी कैविटी घटेगी, एंटीरियो पोस्टीरियरली पूरी पूरी बॉडी कैविटी जो है वो कंप्रेस हो जाएगी एंड डॉर्सो वेंट्रली भी बॉडी कैविटी क्या होगी, वो घटेगी, कंप्रेस हो जाएगी। बॉडी कैविटी के कंप्रेस होने से बॉडी के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। स्पाइरिकल ओपनिंग जब खुलती है तो एयर तेजी से रश करती हुई बाहर जाएगी और क्योंकि आप ट्रैक्यूलर सिस्टम में पूरा का पूरा जो एयर है उसमें मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर किस चीज का है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्पाइरिकल ओपनिंग के थ्रू बाहर आएगी। जब एयर अंदर एंटर करती है, जैसे हम जब ब्रीद इन करते हैं तो हमारे अंदर जो एयर एंटर करती है उसमें हम उस एयर का फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारी नेसल चैम्बर के अंदर हेयर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे सीलियल लाइनिंग वगैरह प्रेजेंट होती है ट्रेकिया में, आपको मालूम होगा। तो ऐसे ही इसकी बॉडी में जब एयर एंटर कर रही है स्पाइरिकल ओपनिंग के थ्रू तो ये एड्रियन चैम्बर के अंदर आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, जितने भी एयर एंटर कर रही है उस एयर के साथ कोई डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल अगर जो एंटर कर चुका है तो उसका फिल्ट्रेशन किया जा रहा है। तो ये आ गया इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बताया आपको, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट हैं, 2 पेयर कहाँ पे हैं, 2 पेयर्स हैं लेटरल साइड्स ऑफ थॉरेक्स, 8 पेयर हैं लेटरल साइड्स ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, एवरी पेयर ओपन्स इनटू अ स्मॉल चैम्बर कॉल्ड एट्रियम विच इज कंटिन्यूड टू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया सपोर्टेड बाय ट्रैकियल रिंग्स विच इज मेड अप ऑफ काइटिन विच प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। द ट्रैकिया ओपन्स इनटू ट्रैक्यूलर सेल विच इज, ये ट्रैक्यूलर सेल जो है आपको इसकी बॉडी के हर एक टिश्यू के पार्ट में मिलेगा। एवरी ट्रैकियल ट्यूब इज फर्दर ब्रांच टू फॉर्म ट्रैकियल ट्रंक, 3 पेयर्स ऑफ ट्रैकियल ट्रंक्स आर प्रेजेंट,
टू पेयर्स लेटरली, टू पेयर्स डॉर्सली एंड टू पेयर्स आर प्रेजेंट वेंट्रली. द ट्रेकियल ट्रंक्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर. दिस सिस्टम इज टोटली कनेक्टेड टू ईच अदर. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द बॉडी कैविटी इज इंक्रीज सो दैट द प्रेशर, एयर प्रेशर इन साइड द बॉडी कैविटी इज रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू द आउटसाइड. देयरफॉर द एयर रश इन साइड द बॉडी इन साइड द spherical and enters into the body tissues through this system. During expiration, the body cavity is decreased by the contraction of abdominal muscles and the thoracosternal muscles so that the air pressure inside the body cavity is increased and the air rushes from this system and spherical to the outside. This is the respiratory system of cockroach. Here humne cockroaches ka respiratory system padh liya and digestive system padh liya. Ab hum next system isme continue karenge next class mein. That is सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी बेटा ये कॉकरोच वाला जो टॉपिक है वो बड़ा है. अभी इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बचा है, नर्वस सिस्टम बचा है, ठीक है. इसके बाद एक्सक्रीशन इसका बचा है और लास्ट में फिर हमें इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है. तो अभी इसमें तीन चार चीजें हमें कंटिन्यू करनी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ओके, थैंक यू.